एपिसोड की शुरुआत में हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोब्लिन हमला करने लगते हैं, तो क्रिमिनल्स उन्हें खत्म करके बोलते हैं कि ये लोग हमारे हाथों मरने ही आ रहे हैं। सोंग ये सब देखकर सोचता है कि ये देखकर पता ही नहीं लग रहा कि असली बीस्ट कौन है। तभी उसके ऊपर गोब्लिन हमला करते हैं जिसे कि वो भी जलाकर खत्म कर देता है। ये देखकर दूसरे हंटर बोलते हैं कि ओल्ड मैन सोंग तो खुद में एक बीस्ट है। अब जिन वो भी गोब्लिन्स को खत्म कर देता है। उसके बाद सोंग बोलता है कि अरे तुम तो काफी ताकतवर हो गए हो संग, और इतना अच्छा डैगर तुम्हें कहां से मिला। तभी जोही बोलती है कि हाँ इस बार तो तुम्हें जरा भी हील करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन वो बोलता है कि ये सब ठीक नहीं है। तो जूही बोलती है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, शायद किसी को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं सोंग सोचता है कि डेफिनेटली काफी बदल गया है, इसकी अपीयरेंस ही नहीं बल्कि इसका मैना भी काफी अलग लग रहा है। अब कैंग बोलता है कि चलो और आगे बढ़ते रहो। अब वे आगे बढ़ने लगते हैं तभी उन्हें तीन गुफाएं दिखाई देती है। अब कैंग बोलता है कि यह डंजन काफी ज्यादा आसान है, हमें तीन ग्रुप बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह हम अपने काम को जल्दी खत्म कर पाएंगे। सोंग बोलता है कि यह अच्छा आइडिया है। तो कैंग बोलता है कि मैं इन प्रिजनर्स को लेकर राइट साइड वाले पाथ में जाता हूं, अगर तुम्हें बॉस मिल जाएगा तो किसी को भेजकर हमें बुला लेना। गुफा को देखकर जिनवो सोचता है कि शायद मेरी परसेप्शन एबिलिटी काफी बढ़ गई है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि बॉस इस लेफ्ट वाले में है। और इन गोब्लिंस के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस जरा भी नहीं बढ़ रहा। अब वो सोंग को बोलता है कि हमें इस लेफ्ट वाले पाथ में जाना चाहिए। बचे हुए दो हंटर्स बोलते हैं कि ठीक है तो हम बीच वाले रास्ते में जाते हैं। अब वे तीनों अलग अलग गुफा में चले जाते हैं। अब बीच वाले हंटर्स गोब्लिंस को खत्म करते हुए बोलते हैं कि आई थिंक अगर गोब्लिन ही है तब हम बच जाएंगे, इसके अलावा सबसे कमजोर हंटर हमारे साथ है तो ये डंजन सबसे लो रैंक की है। दूसरा हंटर बोलता है कि भूल गए जब पिछली बार ऐसी अजम्पशन लगाई थी तब क्या हुआ था, खैर मैंने अपना माइंड बना लिया है, जैसे ये रेड खत्म होगी मैं जिनवो से माफी मांगने वाला हूँ। और ये बात तुमको भी खटकती होगी ना कि हम लोग भाग कैसे सकते हैं जबकि हम प्रोफेशनल हंटर्स हैं, भले ही हमारी फैमिली की बात क्यों ना हो हमें उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। दूसरा हंटर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो हमें माफ कर देगा, तो पहला हंटर बोलता है कि इसका कोई चांस नहीं लेकिन मैं फिर भी उससे माफी मांगूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ प्रिजनर्स बोलते हैं कि इन गोब्लिंस को मारना कितना आसान है, क्या मजाक चल रहा है, क्या यहाँ पर बस यही है। गोब्लिन को देखकर कैंग बोलता है कि अगर तुम्हारा सामना इंसानों के साथ हो गया तब तुम क्या करोगे, उन्हें भी ऐसे ही मारोगे। प्रिजनर्स बोलते हैं कि वेल हमें तो सभी सेम ही दिखाई देते हैं। पिछला सीन दिखाया जाता है जिसमें कैंग एक आदमी को बोलता है कि तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो। वो आदमी बोलता है कि इन तीन आदमी ने मेरी डॉटर को असोल्ट किया था, उसके बाद उसने अपने आप की जान ले ली और मेरी वाइफ भी इस चक्कर में हॉस्पिटल में है, और ये क्रिमिनल्स कुछ ही सालों में आजाद हो जाएंगे जैसा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा ये हंटर्स भी हैं और हंटर्स को रेड में जाना अलाउ होता है जिस वजह से इनकी सजा और भी कम हो जाएगी, जिस वजह से ये जल्दी आजाद हो जाएंगे और मेरी डॉटर कभी वापस नहीं आएगी। इसीलिए मेरे पास 3 बिलियन है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें डंजन के अंदर खत्म कर दो क्योंकि डंजन के अंदर जो कुछ होता है वो वहीं पर रहता है ना। अब कैंग प्रेजेंट में बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा तो इंस्पेक्टर को क्या बताऊंगा कि 100 से ज्यादा गोब्लिन तुम्हारे ऊपर चढ़ गए थे इसलिए तुम मारे गए। दूसरी तरफ वो दो हंटर बोलते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है, क्या हमें डेड एंड नहीं मिला। तभी वो हंटर आगे चलकर देखते हैं कि कैंग सभी क्रिमिनल्स को खत्म कर रहा है। कैंग क्रिमिनल्स को बोलता है कि क्या हुआ, तुम जल्दी मौत की उम्मीद कर रहे थे ना, लेकिन जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था उसने कहा कि जितना देर है सुकून में उतना देरी से तुम्हें मारूं। तभी हंटर्स बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। कैंग उन्हें देखकर बोलता है कि लगता है ये रास्ता यहीं पर मिल गया और तीसरा वाला रास्ता ही बॉस रूम की तरफ जाता है। अब कैंग उस क्रिमिनल को खत्म करके बोलता है कि लगता है मुझे अपने प्लान में बदलाव करना होगा, और अब वो उन हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर जिनवो सोचता है कि कैंग टाइशक ये तो वही बंदा है जो इंस्पेक्टर बॉस के साथ हॉस्पिटल में आया था, आई होप इसे मेरी याद ना हो। अभी उन्हें हंटर्स के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस तीसरी गुफा की तरफ भागने लगते हैं। अब वो क्रिमिनल्स की बॉडी देखकर सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। सोंग बोलता है कि जियोंगो क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो मर चुका होता है। तभी जिनवो को दूसरे हंटर की सांसें सुनाई देती है, वो बोलता है कि मिस्टर किम। जूही एकदम से शॉक में डूब जाती है, तो जिनवो बोलता है कि जूही उसे हील करो। जूही उसे हील करती है तो उसकी सांसें चलने लगती है। सोंग सोचता है कि ये सब किसने किया, ये तो मैजिक बीस्ट का काम नहीं लगता। किम बोलता है कि बस करो, वैसे भी मैं बचने नहीं वाला। तो जिनवो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें बचना होगा, तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना। किम बोलता है कि आई एम सॉरी बच्चे, मैं तुमसे ढंग से माफी मांगना चाहता था, लेकिन शायद। अभी उसकी जान चली जाती है। दूर से कैंग हमें ये सब देखता हुआ दिखाया जाता है। अब कैंग तेजी के साथ जूही के ऊपर हमला करते हुए दिखाया जाता है जिसे जिनवो बीच में ही रोक लेता है। तभी कैंग पीछे हटकर बोलता है कि वो तुम काफी फास्ट हो, मैं इस हिलर को पहले खत्म करना चाहता था लेकिन लगता है तुमने इसकी किस्मत बदल दी। सोंग बोलता है कि मिस्टर कैंग तुमने ये सब किया है, लेकिन ये सब करने के बाद हंटर एसोसिएशन से तुम बच नहीं पाओगे। कैंग हंसकर बोलता है कि पहले मैं गोब्लिंस की कहानी बताने वाला था, लेकिन अब मैंने एक नया एंगल सोच लिया है कि प्रिजनर्स भागने की कोशिश कर रहे थे इसलिए सबसे पहले उन्होंने तुम्हें खत्म कर दिया, और जब मैं बॉस के साथ लड़ाई कर रहा था तब वो मुझे भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मुझसे जीत नहीं पाए। क्यों, काफी परफेक्ट प्लान है ना। जिनवो बोलता है कि स्कम कहीं के। तभी सोंग बोलता है कि पीछे हटो जिनवो, तुम इससे नहीं जीत सकते। अब वो किम की तलवार उठाकर बोलता है कि मैंने बहुत दिनों के बाद एक इंसान के खिलाफ तलवार उठाई है। अब सोंग सोचता है कि ये बेरैंक है, एक लेवल मुझसे अब, लेकिन ये असासिन टाइप है, इसका डिफेंस कमजोर है, मैं वहीं पर हमला करूंगा। उसके बाद सोंग जूही को बोलता है कि क्या तुम मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ डाल सकती हो। अब सोंग की पावर बढ़ने लगती है और लगातार हील होने लगता है। कैंग बोलता है कि एक जादूगर ऐसा बैकअप लेकर मेरी तलवारबाजी से जीत पाएगा। सोंग बोलता है कि फिलहाल मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूं और तेजी के साथ कैंग के ऊपर हमला कर देता है। कैंग हमले को रोककर बोलता है कि तुम एक मैजिक फोकस्ड आदमी हो,
तलवार उठाकर तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। अब जोंग उसको बीच में से काट देता है, लेकिन वो तभी वहां से गायब हो जाता है और बोलता है कि तुम हैरान रह गए, चलो मानता हूं कि तुम्हारे पास काफी अच्छे मूव्स हैं। जोंग फिर से कैंग पर हमला करता है, लेकिन कैंग लगातार बचने लगता है। वहीं जिनवो सोचता है कि ये ज्यादा देर इस तरह नहीं टिक पाएंगे, मिस्टर सोंग भले ही थोड़े से फास्ट हो, लेकिन अब कैंग बोलता है कि फास्ट एंड एक्यूरेट है, अब मैं समझा तुमने तलवार के लिए मैजिक को डिच क्यों किया। तभी वो तेजी के साथ मिस्टर सोंग को घायल कर देता है। बस तुम इतना ही कर सकते थे। तभी जूही उसे फिर से हील करने लगती है। कैंग सोचता है कि यह हीलर लगता है, सबसे पहले इसे ही खत्म करना होगा। कैंग जूही की तरफ जाने लगता है, तभी सोंग पीछे से उसके ऊपर हमला करके बोलता है कि अपने तलवार वाले ओपोनेंट को पीठ दिखा रहे हो। कैंग उसके हमले को रोककर बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। सोंग लड़ते हुए बोलता है कि मैंने एस रैंक हंटर को ट्रेन किया है, मैं ब्लेड टेक्निक में इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। कैंग बोलता है कि हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास लिमिटेड पावर है। कैंग तेजी से सोंग को घायल करता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि एक जादूगर असासिन टाइप हंटर से जीत सकता है। अब सोंग नीचे बैठ जाता है, वहीं जूही भी हील करते करते थक जाती है और एकदम से नीचे बैठ जाती है। कैंग बोलता है कि तुम्हारी हीलर भी काफी यूजलेस है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब वो सोंग को खत्म करने लगता है कि तभी सोंग नीचे जमीन में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। सोंग सोचता है कि क्या ये प्लान काम कर गया, लेकिन कैंग साइड में से आकर बोलता है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना ताकि मैजिक से मुझे ब्लास्ट कर सको, कितना घटिया प्लान है। अब सोंग सोचता है कि लगता है मेरा खेल खत्म हो गया। तभी जिनवो बीच में से आकर उसे बचा लेता है। कैंग बोलता है कि तुम फिर से आखिर तुम हो कौन। तो जिनवो बोलता है कि ई रैंक हंटर संग जिनवो। सोंग बोलता है कि जिनवो ये क्या था। वहीं कैंग बोलता है कि आईसी ई रैंक हंटर के पास इतनी पावर हो सकती है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन ये काफी ज्यादा डबल था, बिल्कुल असासिन टाइप की तरह। खैर ये सब मैटर नहीं करना, लगता है तुम अपनी स्किल्स को छुपा रहे हो और तुम्हारा छोटा स्क्रब तुम्हें जानता है, इसका मतलब तुम फॉल्स रैंक कर रही हो, क्योंकि उसे जानने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचते। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब बचता है कि तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है। जो ही और सोंग हैरान होकर बोलते हैं कि सेकंड अवेकनिंग। सोंग बोलता है कि इसका मतलब ये सब डबल डंजन में हुआ होगा। कैंग सोचता है कि डबल डंजन ये वही वीक लिंक है ई रैंक वाला, लेकिन उस टाइम तो ये काफी ज्यादा कमजोर था और अब ये काफी अलग लग रहा है, और अगर उसके बाद इसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है तो फिर ये डबल डंजन से बचा कैसे। ये सोचकर कैंग बोलता है कि खैर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पास हंटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब वो एक्सपीरियंस मुझे तुम्हें देना होगा। जिनवो बोलता है कि ये सब तुमने क्यों किया। तो कैंग बोलता है कि तुम्हारा मतलब है प्रिजनर्स को क्यों मारा। मुझे एक विक्टिम के फादर ने इन्हें मारने के लिए कहा था, इनकी वजह से उसकी डॉटर ने फाइट किया था। जिनवो बोलता है कि नहीं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर इन्हें चुप ही कराना था तो तुम इन्हें बिना टॉर्चर करे भी खत्म कर सकते थे, लेकिन तुम इनके साथ खेल रहे थे। ये सुनकर कैंग हंसने लगता है और पिछला सीन बताया जाता है जिसमें उस फादर को बोलता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो, मुझे बहुत से बड़ी बड़ी गिल्ड से रिक्वेस्ट आती रहती है, लेकिन फिर भी मैं हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मुझे बीच से ज्यादा मारने में मजा लोगों को आता है। प्रेजेंट में भी वो ये सब बोलकर तेजी के साथ जिनवो पर हमला करता है। जिनवो उसके हमले को रोक लेता है। कैंग बोलता है कि ई रैंक हंटर की भले ही अवेकनिंग हो गई हो, लेकिन तुम मुझे कितनी देर रोक पाओगे। जिनवो उस पर हमला करता है, लेकिन वो गायब होकर पीछे आ जाता है और बोलता है कि काफी स्लो हो। वहीं जिनवो और कैंग की फाइट देखकर सोंग सोचता है कि ये तो पहले वाला जिनवो बिल्कुल नहीं लग रहा। अब जिनवो की स्पीड देखकर वो बोलता है कि हमारी स्पीड और बिल्ड लेवल सबको सिमिलर लग रहा है। तभी वो जिनवो को घायल करके बोलता है, लेकिन मेरे पास हाई रैंक ओपोनेंट से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस है और यही चीज तुम्हें हराएगी। अब कैंग जिनवो के आसपास तेजी से घूमकर उसे घायल कर देता है और अब बोलता है कि तुम्हारे अंदर दम तो है। जिनवो बोलता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने ब्लड थर्स्ट को कम करोगे, क्योंकि ये बात सिस्टम ने भी नोटिस कर ली है। लेकिन लगता है मुझे सिस्टम का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि अब तुम्हें खत्म करने का मुझे और रीजन मिल गया है। कैंग सोचता है कि आखिर बोल क्या रहा है, यहाँ एडवांटेज पर तो मैं हूँ। अब जिनवो अपना वार्म अप करता है और तेजी के साथ कैंग की तरफ बढ़ता है और उसे घायल कर देता है। कैंग बोलता है कि तो काफी फास्ट हो गया। तभी वो बोलता है कि जहर इसके डैगर में स्पेशल इफेक्ट है। जिनवो फिर से कैंग पर हमला करने लगता है। तो कैंग बोलता है कि अगर तुम्हारे पास स्पेशल इफेक्ट है तब मेरे पास भी तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। तभी वो वहां से गायब हो जाता है। वो सोचता है कि गायब हो गया। वहीं कैंग उस पर गायब होते हुए हमला करता है और बोलता है कि ये मेरी स्टेल्थ स्किल है जिसकी मदद से तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। और ऑब्वियसली इस स्किल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि जिन भी लोगों को पता चलता है वो सब जिंदा नहीं बचते। अब कैंग जिनवो को घायल करके बोलता है कि अब तुम फास्ट नहीं भाग पाओगे। जूही जाने लगती है तो बोलता है कि हे लड़की वहीं पर रुको, क्योंकि अगली तुम्हारी बारी है। सोंग सोचता है कि इस तरह तो जिनवो मारा जाएगा। कैंग जिनवो को बोलता है कि तुम्हें लगता है किस इंजर्ड लैग के साथ तुम मेरे हमले से बच पाओगे। जिनवो बोलता है कि तुम बहुत बातें करते हो। तभी फुल रिकवरी बोल के वो पूरी तरह से हील हो जाता है। कैंग सोचता है कि ये हील हो गया, मैंने ऐसे हंटर के बारे में कभी नहीं सुना जो हीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके पास और आखिर है क्या क्या, ये बंदा काफी डेंजरस है। वहीं जिनवो के अंदर आग बुझ जाती है, वो सोचता है कि मेरे एक और इमोशन चला गया। उसके जिनवो बोलता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए तो मुझे गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। कैंग बोलता है कि इसका मतलब तुमने पहले भी लोगों को मारा है। सोंग सोचता है कि जिनवो ने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी खतरनाक फैसले लिए हैं, इसकी सिर्फ एक्सपीरियंस ही चीज नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से बदल चुका है। अब कैंग बोलता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कमजोरों की कोई जगह नहीं और यहाँ पर कोई भी लोग काम नहीं करते, इसलिए जो ताकतवर होगा वही बचेगा, ऐसा बोलकर वो गायब हो जाता है। अब जिनवो उसके हमले को रोकने लगता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे, क्या ये मेरी ब्लड लस्ट के साथ मुझे ट्रैक कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही से मेरी लोकेशन का पता नहीं चल सकता कि मैं कहां से हमला करने वाला हूं। तभी हमें जिनवो की आंखों में उसकी मर्डरस इंटेंट वाली स्किल दिखाई जाती है। अब जिनवो कैंग को अपनी तरफ आते
हुए देखता है। कैंग को फील होता है कि वह पानी के बीच में फंस गया है। कैंग जिन वो की तरफ देखता है तो उसे दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है। वो बोलता है कि ये क्या मजाक हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसका खेल खत्म हो गया। अब मरते हुए कैंग बोलता है कि तुमने कहा था ना कि मैंने उन्हें क्यों मारा, क्योंकि नॉर्मल हंटर से ये उम्मीद करना ही बेकार है कि वो नॉर्मल रूल्स को फॉलो करेंगे। इस वक्त हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तुम एक किलिंग मशीन की तरह हो, मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैं हार चुका हूँ। ये बस एक नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन फिर भी तुम आखिर हो क्या? तुम्हारे पास इतनी सारी स्किल्स है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। जिन वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता। कैंग बोलता है कि तुमने मुझे मारा है इसलिए तुम अपना ये राज नहीं छुपा सकते। जिन वो बोलता है कि वेल ऐसा कह सकते हैं, मैं वो हंटर हूँ जो हर बैटल के साथ ताकतवर बनता रहता हूँ। कैंग बोलता है कि तब तो तुम इन शेडोज की तरह हो, जितने अंधेरे में जाते जाओगे उतने ही पावरफुल होते जाओगे। तब तो तुम्हें अपने ऊपर और ध्यान देना होगा क्योंकि जितने तुम गहराई में जाओगे उतने ही फंसते भी जाओगे। कैंग के मरते ही जिन वो को स्टेल्थ स्किल्स का रिवार्ड मिल जाता है। जिन वो सोचता है कि इसने सही कहा, जितना मैं ताकतवर बनते जा रहा हूँ उतना ही ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ गायब हो रहा है। तभी जूही और सॉन्ग बोलते हैं कि थैंक यू जिन वो, इस बार भी हम तुम्हारी वजह से बचे हैं। जिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों डंजन से बाहर जाओ, मैं बाकी संभाल कर आता हूँ। अब वो बोलते हैं कि शायद हमें बाहर इंतजार करना चाहिए। वहीं जिन वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अब डंजन के बाहर मैनेजर वो बोलता है कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, बाकी सर्वाइवर्स कहाँ पर हैं। अब वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यंग सीक्रेटली लोगों को मार रहा था, इसमें मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी वो जिन वो को देखकर सोचता है कि अरे ये तो भाई ई रैंक हंटर है ना, ये तो काफी अलग लग रहा है। अब वो उनको बोलता है कि हेलो मैं वो जिन चुल हूँ, आई एम सॉरी मेरे आदमी की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कैंग को किसने हराया। जिन वो सोचता है कि लगता है मैं अपने सीक्रेट को नहीं छुपा पाऊंगा और जिन हो के साथ मेरी डील वो भी कैंसिल हो जाएगी। तभी सॉन्ग बोलता है कि उसे मैंने मारा था। तो जिन चुल बोलता है लेकिन तुमने कैसे, तुम्हारा रैंक तो सी है ना। सॉन्ग बोलता है कि वेल मेरे हीलर ने मेरी मदद की। तो जिन चुल बोलता है कि अच्छा ये हीलर खैर मेरे साथ था, मुझे इस बारे में रिपोर्ट लिखनी है। वहीं जिन वो सोचता है कि मैंने कैंग को हरा दिया तो मुझे ज्यादा हवा में नहीं उछलना चाहिए क्योंकि इस बंदे को देख कर ही मैं बता सकता हूँ कि ये ए रैंक का बंदा है जो मुझे काफी आसानी से हरा देगा। अब सॉन्ग बोलता है कि जिन वो तुम्हारे पास अच्छा रीजन होगा अपनी ताकत को छुपाने का, खैर इसे मेरी तरफ से पे बैक समझना। अब कुछ देर के बाद हमें जिन वो और जूही दिखाए जाते हैं। जूही बोलती है कि जिन वो क्या तुम्हें ये क्रिस्टल याद है। ओके गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।